सहस्त्र योजन पर सूर्य जिसे हनुमान जी ने मीठा फल जान करके खा लिया। अब ये कितनी दूरी होती है, हमने इसमें पूरी गणना करके लिखा है। चार सहस्त्र योजन होते हैं 32,000 मील, और 32,000 मील होते हैं लगभग 51,000 किलोमीटर दूर पर सूर्य है। वैज्ञानिक तरीके से सोचिए, अब इतनी दूर एक छोटा सा बच्चा कैसे गया खाने फल को, इसके बाद चलिए। सूर्य का तापमान है 12,000 डिग्री फ़ारेनहाइट, उसके पास तक भी 50, 100, 200, 1000 मील तक भी दूर नहीं जा सकता कोई, जल करके भस्म हो जाएगा कितनी भी बढ़िया वस्तु हो, उसके पास कैसे चले गए और सटक लिया पेट में, जरा भी गर्मी नहीं लगी। तो इस प्रकार के गप जो हैं वे लिखे गए एक महापुरुष के लिए, और आगे क्या लिखते हैं, अंधविश्वास बढ़ाने में वह सबसे आगे लिखते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे हनु महावीर जब नाम सुनावे। जो महावीर का नाम सुने सुनाएगा तो भूत पिशाच इसके निकट नहीं आते, इसका अर्थ है भूत पिशाच होते हैं, होंगे तभी तो निकट आएंगे, और वास्तविकता क्या है, ना भूत होते ना पिशाच होते ना डायन होती। भूत और पिशाच ये जीवित मनुष्य ही हैं जो दूसरों को दुख देते हैं। और लिखते हैं, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमान वीर, हनुमत वीरा, जो निरंतर हनुमान वीर का नाम जपता रहता है उसके रोग नहीं होते, सारी पीड़ाएं उसकी नष्ट हो जाती हैं। मैं दावे से कहता हूं किसी को रोग है वह हनुमान जी का नाम जपता रहे देखे कैसे ठीक हो जाए, किसी के पैर की हड्डी टूट गई है देखे कैसे ठीक हो जाए, डाल दीजिए ऐसे कि हनुमान जी का नाम जपता रहे, हो जाएगा ठीक। तो ये अंधविश्वास बढ़ाने वाली बात है, ऐसे महापुरुष को ऐसी ऊटपटांग बातें लिखी मैंने, भूमिका में बहुत सारी बातें लिखी। स्मरण किसका करना, वेद के अंदर लिखा है ओम कृतो स्मर, केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर है उसका सर्वोत्तम नाम ओम है, बस उस ही का स्मरण करो। वायुर अनिलम अमृतम अथमेदम भस्मांतम शरीरम ओम कृतो स्मर क्लीबे स्मर कृतम स्मर। हे मनुष्य, ये तेरा शरीर तो नश्वर है और ये जो जीवात्मा है ये अमर है, तू अपने कर्मों को याद कर, तूने क्या क्या कर्म किए हैं अपने कल्याण के लिए, अपने सुख के लिए, अपने स्वरूप का और उस परमपिता परमात्मा का स्मरण कर, किसका, जिसका सर्वोत्तम नाम ओम। यहां कह रहे हैं कि उनका नाम जपो हनुमान का, वेद के विरुद्ध ईश्वर का स्मरण छोड़ करके हनुमान के पीछे लगा दिया, ईश्वर भी नहीं मिला और हनुमान तो मिलना था ही नहीं। एक बार की क्या घटना बताता हूं सत्य, मुझे बहुत पहले से अभिलाषा है, आज तक पूरी नहीं हुई क्योंकि अब समय नहीं मिलता, कि हारमोनियम बजाना सीखूं, आज भी इच्छा है, मासे जी से भी कहा कोई सिखाता ही नहीं, ये इसे पता नहीं, सोचा ये सीख जाएंगे तो फिर हमें नहीं बुलाना, लेकिन ऐसी बात मुझे आता ही। तो मैंने 1984 में हारमोनियम सीखना की मुझको तड़प लगी, हारमोनियम मैं सीखना चाहता। एक सज्जन मुझे मिले, वानप्रस्थ ले रखा था, वे रहते थे गढ़ रोड पर, तो मुझे पता चला, मैं उनके पास गया। पहले वे एक आर्य समाज मंदिर में रहते थे, आर्य समाज के लोगों ने सोचा ये बूढ़े बुढ़िया जो है बेकार का बोझ आ गए, एक कमरा गिर गया। वे वहां संगीत सिखा देते थे,
बच्चे लड़कियां सीखने आती थी, जो दे देते तो ठीक है, किसी से मांगते नहीं थे, उसी से उनकी जीविका चलती थी। तो उनको महीने दो महीने बाद कहने लगे कि पंडित जी हमें तो माफ़ करो, आप कहीं और चले जाओ, हमारे पास तो जगह कम है। इतने छोटे हमारे दिल हो गए। पहले कहते हैं वानप्रस्थ लो, संन्यास लो, ऋषि दयानंद की शिक्षा पे चलो, और जो कोई ले करके आ जाए तुम्हारा भला करने के लिए तो उसके रहने के लिए स्थान हमारे यहाँ नहीं है जी, और नहीं। उन बेचारों को शरण कहाँ मिली? गढ़ अड्डे के ठीक सामने की दिशा में एक मंदिर बना हुआ छोटा सा, वे पता नहीं वहाँ कैसे चले गए। उनकी पुत्री या पोती कोई उनसे संगीत सीखती थी, उसे पता चला, उसने घर पर जाकर कहा, उसके बाबा ने कहा अरे वहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं, हमारा तो सारा मंदिर खाली पड़ा, पंडित जी यहाँ रहेंगे, संगीत सिखाएं, खूब सिखाएं। वो जाकर के उनका बिस्तरा उठा लाए, चलो पंडित जी वहाँ रहो, तुम क्या आवश्यकता ऐसे यहाँ अपमानित होकर के रहने की, मेरे साथ चलो। ये जी कहाँ रहोगे आप, चलो तो सही। ला करके उस मंदिर में बिस्तरा रख दिया। कहने लगे यहाँ तो मूर्ति लग रही है, हनुमान जी का मंदिर है और दुर्गा की मूर्ति लग रही है और मूर्ति लग रही, मैं तो आर्य समाज का व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, मैं क्या मूर्ति पूजा करूँगा। उन्होंने कहा आप कुछ मत करो, आपको केवल रहने की बात करता हूँ, आप रहिए सुखपूर्वक, मैं आपको पुजारी बना के नहीं लाया हूँ। तो उन्हें पीछे कमरा दे दिया, स्नान घर शौचालय दे दिया पूरी, और आपका भोजन भी सब मेरे यहाँ से आएगा, वस्त्र भी मैं दूंगा, इलाज के पैसे भी मैं दूंगा, बस आप अपना आराम से ईश्वर की भक्ति करो, मेरे पिता नहीं है, आपको ही पिता और माता मान लिया, मैं आपकी सेवा करूँ, बताओ कौन श्रेष्ठ है, नाम वाला श्रेष्ठ है या काम वाला श्रेष्ठ है? नाम नहीं ले रहा हूं, सब समझ रहे हैं। मैं उनके पास पहुंचा, वो मंदिर में बैठे, मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने कहा आप यहाँ बैठे? कहने लगे आश्रय नहीं मिला कहीं, अब घर छोड़ दिया, वानप्रस्थ ले लिया, सबको बताया जाएगा, किस मुंह से लौट के वापस जाऊं, पत्नी भी साथ है, सबको छोड़ कर यहाँ आ गया, सोचा था धर्म का प्रचार करूंगा, मुझे बड़ा सुख मिलेगा, बड़ा सहारा मिलेगा, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, अब भूखा मरता हूँ, यहाँ रह गया, बस ये हारमोनियम सिखाने से कुछ आ जाता है तो उससे थोड़ा काम चलता है। फिर मैंने कहा तो मुझे आप सिखाओ, तो वो कहने लगे मैं आपके घर आ जाया करूँगा, हमने कहा नहीं मैं ही आया, तो मैं ब्रह्मपुरी में रहता था और ब्रह्मपुरी से मैं साइकिल से उनके पास जाता था, तब मेरे पास साइकिल थी, सब साइकिल से ही चलते थे, अच्छा लगता था। अब साइकिल पे चढ़ के चलूँ तो सब लोग देखेंगे ओहो इतना बड़ा प्रोफेसर साइकिल पे जाता है, कितना कंजूस है, ये कहेंगे, अच्छा ही नहीं समझेंगे, और मैं भी सोचूंगा मेरा स्थान नहीं है, मैं तो गाड़ी में चलूँ। साइकिल से उनके यहाँ गया, हारमोनियम सीखना आरम्भ किया, उन्होंने बताया, दो तीन चार दिन गया, एक दिन क्या हुआ, मैं वहाँ बैठा था, उसी मंदिर में बैठा था, वे भी बैठे थे, एक मेरा शिष्य आ गया, मंगलवार का दिन था, वहाँ खूब मिठाई प्रसाद चढ़ता था मंगलवार, मैं भी बैठा था वहीं उसी मंदिर में, वो शिष्य आया, उसने जो है गुलदाना लाया था, वो हनुमान जी को चढ़ाया, बाकी को नहीं चढ़ाया, बाकी बेचारे देखते ही रहे, दुर्गा जी भी देखती रही, शिव जी भी देखते रहे और सब देखते रहे, हनुमान जी को रख दिया सब, और उन्हें चढ़ा करके वो अपना थैला कागज का उठा के चल दिया। मैंने उसे पहचान लिया, ये मेरा विद्यार्थी था, बीए में पढ़ाया था, पहचान उसने भी लिया, तो आते हुए तो उसने कुछ नहीं कहा, पहले वो जो कुछ भी उसे हनुमान जी के चरणों में रखना था रखा और फिर वापस चल दिया। चलते समय उसने कहा गुरुजी नमस्ते, मैं कहा नमस्ते, मैंने कहा आते समय नहीं पहचाना था तूने? कहने लगा जी गुरुजी कुछ भ्रांति हो गई, मुझे ये कभी सपने में पता ही नहीं था कि आप जैसे आर्य समाज का पक्का व्यक्ति यहाँ बैठा मिलेगा, मैं तो आपको देख के घबरा गया कि कक्षा में तो डांटते थे कि मूर्ति पूजा मत करा करो, और मैं मूर्ति पूजा करने आया, इसलिए मैं आंख बचा के हनुमान जी के चरणों में रख दिया, अब जाते समय आपने देख लिया तो रुकना पड़ा। हमने कहा अच्छा क्यों आए थे भाई? कि जी मैं हनुमान जी की प्रार्थना करने आया था, व्रत रखता हूँ मैं हनुमान जी के, क्या तुम्हें समस्या क्या है, क्यों रखते हो? अजी कुछ नहीं ऐसे ही रखता हूँ। कितने व्रत रख लिए? ये जी चार रख लिए। कितने रखने को कहा? ये कहा कि सात रख ले, नौ रख ले, ग्यारह रख ले, तेरा काम सिद्ध हो जाएगा। हमने कहा क्या काम है तेरा? अजी बस गुरु जी ऐसा ही है, बताने का नहीं। हमने कहा ऐसा कौन सा काम है भाई, अभी से कोई तू गलत काम कर रहा है जो बताने का नहीं? कि जी गलत तो कुछ नहीं है, काम तो अच्छा है पर बताने का नहीं। हमने कहा नहीं बता,
गुरु से शिष्य क्या छिपा है तू बता। वो कहने लगा जी मुझे शर्म आती है। हमने कहा नहीं शर्म की कोई बात नहीं, तुम बताओ। कहने लगा गुरु जी मेरा विवाह नहीं हुआ। हमने कहा फिर के जी मुझे ये बताया एक पंडित जी ने कि तू जो है 5, 7, 9, 11 मंगलवार के व्रत रख ले, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा, तेरा विवाह हो जाएगा। हमने कहा कितने हो गए? के जी 5 हो गए, आज 7वां हो गया। हमने कहा अभी कोई आया रिश्ते वाला? जी अभी तो कोई आया। हमने कहा आएगा भी नहीं। ये क्यों गुरु जी? हमने कहा जब तू आई ऐसे के पास गया जिसका अपना विवाह नहीं हुआ, वो तेरा विवाह कहां से करा देगा भाई मूर्ख? ये बाल ब्रह्मचारी तपस्वी व्यक्ति, इससे तू विवाह पत्नी मांगता है, इसे क्या पता? हाँ तेरी पत्नी खो गई हो तब तो कुछ सहायता कर सकता है, क्योंकि रामचंद्र जी की भी पत्नी को ढूंढ लाए थे। ये जी अभी तो विवाह ही नहीं हुआ, खोएगी तो तब देखी जाएगी। हमने उससे कहा देखो इस मूर्ति के आगे प्रसाद चढ़ाने से और इसका व्रत रखने से कुछ होना नहीं है। यदि विवाह ही करना है तो किसी मामा को, फूफा को, नाना को, ताऊ को, चाचा को, किसी अच्छे प्रतिष्ठित रिश्तेदार के पैरों में जाकर के पड़ जा। गुलदाना भी मत चढ़ाना, बस पैर ही पकड़ लेना और एक ही बार में काम हो जाएगा। पैर तब छोड़ना जब वो ये कहते हाँ बेटा तेरा विवाह करा दूंगा, विवाह हो जाएगा। कहने लगा हाँ गुरु जी ये आपने ठीक बात बताई। हमने तो हनुमान जी को ऐसा बना रखा है, ये क्या है, विद्या है या अविद्या है? आप बुद्धि से विचार करो, ये विद्या है या अविद्या है? उस महापुरुष के चरित्र को हमने बिगाड़ के रख दिया। सभी महापुरुषों का चरित्र हमने बिगाड़ रखा, पुराण पढ़िए सब में चरित्र बिगड़े हुए हैं। श्री कृष्ण के चरित्र पर भी खूब कलंक लगे हैं, रामचंद्र जी पर भी लगे हैं, पढ़ के तो देखो पुराणों को, शिव पुराण में शिव पर लगे हैं, लेकिन मैंने उन कलंकों को धोने का अपना पूरा प्रयास किया। इन चारों महापुरुषों का उज्ज्वल चरित्र जो है, उज्ज्वल चरित्र चारित्रिक विशेषताएं संक्षेप में 40 के रूप में लिखी। हनुमान जी का लिखा हनुमान 40, शिव जी का लिखा शिव 40, कृष्ण जी का लिखा कृष्ण 40, रामचंद्र जी का लिखा राम 40, चारों यहाँ पर हैं। आप लीजिए, पढ़िए, आनंद उठाए और पढ़ करके कल वापस दे देना, पैसे की चिंता नहीं, पढ़िए तो सही। हाँ जी प्रधान जी समय बताओ कितना रखना, इसमें आधा घंटा लगेगा, जैसी आपकी अनुमति हो वैसा हम करते हैं। लगातार सुनाते हैं, व्याख्या करेंगे, चलिए व्याख्या कम करेंगे, लगातार सुनाते हैं। अब आप सुनिए हनुमान 40 सुन लो आज। नहीं कई बार मैं भी तो व्याकुल हो जाता हूँ सत्य बताने के लिए, फिर पता नहीं इस जन्म में आपके दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कुछ पता नहीं चलता। तो है ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब, और पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, आज सत्य नहीं बताया तो कब बताऊंगा। ओ करता हूँ वर्णन यहाँ करके प्रभु का ध्यान, सुनो वीर हनुमान का सुखदाई गुणगान, सुनो सुखदाई गुणगान। पितु पवन थे अंजना माता, उनके घर जन्मा दुख त्राता, च
चैत्रवदी शुभ अष्टमी आई, मंगलवार जन्म सुखदाई। सुंदरतम हनु अंग सुहाए, हनु किसे कहते हैं? हनुमान। हनु किसे कहते हैं? हनु कहते हैं ठोड़ी को। उनकी ठोड़ी बहुत बलशाली थी, बहुत सुंदर थी, सामान्य व्यक्तियों से बड़ी थी, बड़ा मुख था, शेर जैसा बड़ा मुख, बहुत मजबूत ठोड़ी थी, इसलिए उनको हनुमान कहा गया। ऐसा बंदर जैसा मुख नहीं था जैसा दिखाते हैं, हमने बदल दिया वो, देखो हनुमान जी ऐसे थे, कितने सुंदर, सब मनुष्यों जैसे थे, ना उनके पूंछ थी, हमने सब हटा दिए। ये क्रांतिकारी कदम है, पूंछ नहीं थी, बंदर नहीं थे, क्या थे वो आप पढ़िए। और वास्तविक चरित्र कहां लिखा है? वाल्मीकि रामायण, वो पढ़िए। सुंदरतम हनु अंग सुहाए, इसीलिए हनुमान कहाए। पिता प्रभु के गुण गाते, बालक को बलवान बनाते। माता पिता प्रभु के गुण गाते, बालक को बलवान बनाते। रवि सम तेजस्वी मुख पाया, हृष्ट पुष्ट सुंदर तम काया। आपको पता हनुमान जी कहां पढ़े? कोई नहीं बताता, झूठी बातें बनाए जा रहे हैं, उनका चरित्र पता ही नहीं, आज पता चलेगा। ऋषि अगस्त के गुरुकुल आए, वैदिक विद्या पढ़ सुख पाए। ऋषि अगस्त के गुरुकुल आए, वैदिक विद्या पढ़ सुख पाए। ज्ञान विज्ञान पढ़े थे, सदाचार के पंथ बढ़े थे। वेद ज्ञान विज्ञान पढ़े थे, सदाचार के पंथ बढ़े थे। मल्ल युद्ध गदा थे प्यारे, पुष्टि करना, मल्ल युद्ध उनको प्रिय था, गदा उनको प्रिय था, गदा से वार करना। मल्ल युद्ध गदा थे प्यारे, नहीं किसी से डरे न हारे। माता पिता गुरु भक्त कहाते, उठ कर प्रातः शीश झुकाते। माता पिता गुरु भक्त कहाते, उठ कर प्रातः शीश झुकाते। शक्तिशील सौंदर्य सारे, महावीर विनम्र थे प्यारे। बहुत अधिक बल था, बहुत अधिक सदाचारी थे, बहुत अधिक सुंदर थे, बंदर नहीं थे, बहुत अधिक सुंदर थे। इतना होने के बाद भी, जिस व्यक्ति के पास सब गुण हो उसके बाद भी उसमें अभिमान नहीं हो, ऐसा कौन था? ऐसे हनुमान। पूरे वाल्मीकि रामायण में किसी को कभी कटु शब्द नहीं कहे, सबकी सेवा के लिए खड़े रहे, ये होता है श्रेष्ठ मनुष्य का लक्षण। तो हम ऐसे बने जैसे हनुमान जी थे, सब गुण उनके अंदर थे, लेकिन क्या थे? सबके साथ विनम्रता के साथ बात कर रहे। शक्तिशील सौंदर्य सारे,
महावीर विनम्र थे प्यारे। वेद पाठ सुंदर तम गाते, श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते। जब हनुमान जी वेद पाठ गाते थे गुरुकुल में, सब भाव विभोर हो जाते थे। पढ़ के तो देखो वाल्मीकि रामायण, पढ़ी तो है नहीं, बस झूठ मूठ गाए जा रहे हैं, ये है उनके चरित्र। वेद पाठ सुंदर तम गाते, श्रोता मंत्र मुग्ध हो जाते। नीति निपुण रक्षक सज्जन के, न्याय करें प्यारे जन जन के। नीति निपुण रक्षक सज्जन के, न्याय करें प्यारे जन जन के। संध्या और हवन नित करते, वेद ज्ञान सद्गुण मन भरते। संध्या और हवन नित करते, वेद ज्ञान सद्गुण मन धरते। ब्रह्मचर्य व्रत जीवन धारे, सत न्याय पर हित थे प्यारे। ब्रह्मचर्य व्रत जीवन धारे, सत्य न्याय पर हित ही प्यारे। अतुलित बल यौवन धन पाया, संयम को जीवन अपनाया। अतुलित बल दोवन धन पाया, संयम को जीवन अपनाया। परमेश्वर का ध्यान लगाते, ओम ओम ही जपते जाते। परमेश्वर का ध्यान लगाते, ओम ओम ही जपते जाते। प्राण साधना अद्भुत करते, अनुपम बल तन मन में भरते। परमेश्वर का दर्शन पाया, मानव जीवन सफल बनाया। परमेश्वर का दर्शन पाया, मानव जीवन सफल बनाया। अपन में सारी का दर्शन पाया, मानव जीवन सफल बनाया। किस मनुष्य का जीवन सफल है? जिसके संतान है उसका सफल है, जिसके पास धन माल है उसका सफल है, जिसके पास सुंदर मकान है उसका सफल है? नहीं, ये सब छूट जाएंगे। जिसके पास ऊंचा पद है उसका जीवन सफल है, बहुत खुश होता है मुझे ऊंचा पद मिल गया। नहीं, वो एक दिन रिटायर करके जबरदस्ती बाहर करते हैं, सब छूट जाएंगे। जीवन उसका सफल है जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया, जिसने ईश्वर दर्शन कर लिया, जिसने ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर दिया। यदि आपने ईश्वर की भक्ति नहीं की, आत्मदर्शन नहीं किया, ईश्वर दर्शन नहीं किया, तो यह सब कुछ व्यर्थ गया। संतान भी व्यर्थ, धन माल भी व्यर्थ, मकान दुकान भी व्यर्थ, कारखाने भी व्यर्थ, ये शरीर भी व्यर्थ। ये शरीर मिलाई क्या है? इयम यज्ञः ते तनु। हे मनुष्य, तेरा ये जो शरीर है, वेद कहता है
ये केवल ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला है। हम उस स्थान से ना भटक जाएं। हनुमान जी ने क्या किया, परमेश्वर का दर्शन पाया, मानव जीवन सफल बनाया। वन रक्षक अनुपम नर नेता, सब युद्धों में रहे विजेता। उन्होंने वनों की रक्षा की। वन में रहने वाले जो मनुष्य थे वे थे वन, बंदर नहीं थे। और रावण जैसा दुष्ट जो था वे वनों को काट काट करके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना चाहता हो, जैसे अब वनों को काट काट करके, बागों को काट काट करके, खेतों को उजाड़ उजाड़ करके कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं, वैसी स्थिति होगी। वनों को नष्ट करना चाहता होगा। उन्होंने वनों की रक्षा की, वन में रहने वाले लोगों की रक्षा की। इसीलिए लिखा, वन रक्षक अनुपम नर नेता, सब युद्धों में रहे विजेता। त्याग तपस्या अनुपम पाए, सकल विश्व उनके गुण गाए। मित्र सहायक बन कर आए, अद्भुत सेना नायक पाए। जैसा रामलीलाओं में दिखाते हैं, टीवी पे दिखाते हैं, गदा लेके उछलते फिरते बंदर, ऐसे नहीं थे वे। सेना अध्यक्ष थे रामचंद्र जी के, सेनापति थे। क्या बंदर सेनापति हो सकता है मनुष्यों की सेना का? कभी बुद्धि से विचार तो करो। युद्ध में विजय कितना बुद्धिमान व्यक्ति दिला सकता है? रावण जैसे शक्तिशाली को कौन पराजित कर सकता था? क्या बंदर कर सकता था? कोई महापुरुषी कर सकता था। इसीलिए उनको क्या, मित्र सहायक बन कर आए, अद्भुत सेना नायक पाए। दृढ़ प्रतिज हनुमान हमारे, दुष्ट गदा से रण में मारे। दृढ़ प्रतिज हनुमान हमारे, दुष्ट गदा से रण में मारे। कभी नहीं विचलित होते थे, नहीं धीरता को खोते थे। वेद ज्ञान के पंडित भारी, दिव्य तपस्वी शोभा प्यारी। वेद ज्ञान के पंडित भारी, दिव्य तपस्वी शोभा प्यारी। संत जनों की सेवा करते, उनके सब दुखों को हरते। संत जनों की सेवा करते, उनके सब दुखों को हरते। एक बहुत बड़ी विशेषता क्या थी हनुमान जी की, कि नारी का बहुत सम्मान करते थे। अपने आप विवाह नहीं कराया, परंतु स्त्रियों का सम्मान बहुत करते। कोई भी नहीं तैयार हुआ होगा सीता को खोजने के लिए, उन्होंने कहा मैं जाऊंगा, नारी की रक्षा करने का मैंने प्रण किया है, इसलिए मैं जाऊंगा। तो क्या कहते हैं, नारी का सम्मान बढ़ाते, सन नारी को शीश झुकाते। नारी का सम्मान बढ़ाते,
सन्नारी को शीश झुकाते। और कैसे मित्र थे, विपत्ति में काम आए। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी भटकते फिर रहे हैं, कोई सहायक नहीं मिलता है। कैसा चरित्र था, रामचंद्र सुग्रीव मिलाए, बने सहायक दुख मिटाए। रामचंद्र सुग्रीव मिलाए, बने सहायक दुख मिटाए। वाल्मीकि रामायण पढ़िए और वहां देखिए, जब पर्वत पर बैठे हुए, ऋष्टमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव देखते हैं कि कोई दो व्यक्ति आ रहे हैं, कहीं ये बाली के व्यक्ति तो नहीं है, हमें तो खोजने के लिए, हमें मारने के लिए तो नहीं आ रहे हैं। सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि तुम जाओ और पता लगाओ ये दो व्यक्ति कौन हैं, धनुर्धारी हैं। तो सैनिक के वेश में नहीं गए, साधारण व्यक्ति, साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके, कुर्ता धोती या धोती चादर साधारण अपना पहन करके पहुंचे और वहां पूछते हैं, नमस्ते जी महाराज, आप लोग कौन हैं, यहाँ वन में कैसे भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने बताया, हम दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, हम यहाँ आए हुए हैं वनवास में, ऐसे ऐसे मेरी पत्नी का हरण किसी ने कर लिया, हम उसको खोजते फिरते हैं, बस इतना हमारा ये कष्ट है, हमको कोई सहायक नहीं मिल रहा है। उन्होंने जब ये देखा कि ये वास्तव में कोई शत्रु हमारे नहीं है, ये तो स्वयं ही पीड़ित हैं। तो देखो सदाचारी का धर्म क्या है, यदि कोई सज्जन पीड़ित है तो उसकी सहायता करना चाहिए, नहीं तो कह देते अरे मरने दो, हम तो खुद ही दुखी हैं, एक ये और दुखी आ गए। बाली ने सुग्रीव को बाहर भगा रखा था, देश निकाला दे रखा था, वे खुद ही छिपते फिरते थे, ये और मिल गए, दुखियों के और दुखी आ गए। कहते हम तो हमें हमारे पास ही खाने को नहीं है, शरण स्थल नहीं है, ये और आ गए, लो अब इनकी स्त्री ढूंढो, मरने दो। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा हम चाहे कितने भी दुखी हैं, लेकिन हमें कोई दुखी मिला है, परमात्मा ने हमें सेवा का अवसर दिया है, हम इनकी सहायता करेंगे। उन्होंने कहा आप चलिए मेरे साथ, हम आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव के पास ले गए, सुग्रीव को बताया ये तो ऐसे ऐसे बात है, बड़े प्रसन्न हुए, बैठे, बातचीत हुई। अब वो स्थल पढ़ने योग्य है, कौन सा स्थल, रामचंद्र जी कहते हैं कि सुग्रीव जी का तो परिचय हो गया लेकिन इनका तो परिचय नहीं हुआ। वहां वाल्मीकि रामायण में सुग्रीव जी जो हनुमान का परिचय दिखते हैं वो ही मैंने लिखा। उन्होंने बताया कि ये वीर हनुमान है, इनके जैसा बलशाली कोई नहीं है विश्व में, शरीर में ये चारों वेदों के विद्वान हैं, ये प्रतिदिन यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन वेद पढ़ते हैं, ओम का ध्यान करते हैं, ये ईश्वर साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति हैं, यज्ञोपवीत धारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। इनके जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों के दुख दूर करना है, बस इनका अपना लिए कुछ भी करना इनको नहीं है, ना अपने लिए घर बनाना, ना विवाह करना, ना कोई संपदा जोड़ना, बस इन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा के लिए समर्पित करने का प्रण किया हुआ है, क्योंकि यही मानव जीवन की सफलता है। जो व्यक्ति ईश्वर उपासना करता है और दूसरों के दुख दूर करता है उसी का जीवन सफल है, जो ना ईश्वर की उपासना करता ना दूसरों के दुख दूर करता है उसका जीवन व्यर्थ है। ऐसे महापुरुष थे। तो क्या कहते हैं, रामचंद्र सुग्रीव मिलाए, बने सहायक दुख मिटाए। राम दूत बन कर सुख चाहा, दिया वचन जो उसे निभा। राम दूत बन कर सुख चाहा, दिया वचन जो उसे निभा। लांग सिंधु लंका में आए, सीत
सीता को खोजा सुख पाए। जिस काम के लिए आए थे वो हो गया, खोजने आए थे खोज लिया, उठा के लाने के लिए नहीं गए थे, बस खोजने के लिए गए थे। देखिए उसका रहस्य समझ ली कि सीता को खोजना है, लाना नहीं है, लाएंगे तो हम अपने आप, खोजना है, बस गए खोजा, बस लक्ष्य पूरा हो गया। कहते हैं लांग सिंधु लंका में आए, सीता को खोजा सुख पाए। रावण को सब कुछ समझाया, अच्छा बुरा सब समझाया हनुमान जी ने रावण को, विनाश हो जाएगा, जो पराई स्त्री का हरण करते हैं उनका विनाश हो जाया करता है, पराई संपत्ति का हरण करने वालों की संपत्ति नष्ट हो जाती है, लेकिन जो पराई स्त्री का हरण करते हैं उनका तो सर्वनाश ही हो जाता है और उनके सामने ही हो जाता है, और उसका प्रमाण रावण है। तो रावण को सब समझाया सर्वनाश के पथ पर हो, ये सदाचारिणी स्त्री है, सदाचारी पुरुषों की पुरुष की स्त्री है, इसे लौटा दो सम्मान और क्षमा याचना कर लो, अपने पाप सुधार लो। लेकिन नहीं, रावण को सब कुछ समझाया, अभिमानी वह समझ न पाया। रावण की जब बहुत ढिठाई, तब लंका हनुमान जलाई। रावण की जब बहुत ढिठाई, तब लंका हनुमान जलाई। भक्त विभीषण के दुख त्राता, विजय यज्ञ के तुम उद्गाता। संजीवनी औषध ले आए, लक्ष्मण के तब प्राण बचाए। और किसी में बल नहीं था लाने का, वे ही गए, ऐसा नहीं गए हवा में उड़ के गए, गए तो हवा में उड़ करके गए, परंतु गए वायुयान, यान थे, यान से गए। आप दिल्ली से सवा घंटे में मुंबई जा सकते हैं, डेढ़ घंटे में। ऐसे ही वो हिमालय पर्वत पर गए, जहाँ संजीवनी औषधि थी, जहाँ उपलब्ध थी वहां से ली और चले आए। संजीवनी औषध ले आए, लक्ष्मण के तब प्राण बचाए। रामचंद्र के संग खड़े थे, उनसे आगे सदा लड़े थे। लंका पर थी विजय दिलाई, सीता जी श्री राम मिलाई। राम राज्य के तुम निर्माता, राम भक्त तेरे गुण गाता। जो श्री राम का भक्त है वो हनुमान जी के गुण जरूर गाएगा। और गुण क्या थे भैया? थे सूर्य को निगलना गुण नहीं था, ये गुण थे। राम राज नहीं बनता यदि हनुमान जी नहीं होते। राम राज्य का निर्माण हनुमान जी ने कराया, और उसमें से क्या लिया? कुछ भी नहीं लिया, दो समय के भोजन के अलावा कुछ नहीं लिया। राम राज्य के तुम निर्माता, राम भक्त तेरे गुण गाता। नहीं स्वार्थ कभी मन लाए, कर्म सदा शुभ किए कराए।
जय जय हनुमान हमारे, महावीर हम सबके प्यारे। जय 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 हनुमान हमारे, महावीर हम सबके प्यारे। जो पढ़े हनुमान चालीसा, धर्मवीर होवे उन्हीं सा। जो पढ़े हनुमान चालीसा, धर्मवीर होवे उन्हीं सा। वेद प्रकाश सदा प्रभु चेरा, करिए नाथ सदा उर डेरा। वेद प्रकाश सदा प्रभु चेरा, करिए नाथ सदा उर डेरा। सेवा श्रद्धा से सदा, सेवा श्रद्धा से सदा, किए धर्म के काम। महावीर हनुमान का रहे जगत में नाम, महावीर हनुमान का रहे जगत में नाम, रहे जगत में नाम। ये हनुमान चालीसा आपके समक्ष हो गया, समय भी हो गया, अधिक हो गया, और इन्होंने भी चला दिया कि ये तो बंद हो गए नहीं ऐसे। चलिए कोई बात नहीं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो आपने इतनी श्रद्धा से ये सब चीज़ें सुनी, आप लाभ उठाएं, जीवन में आनंद प्राप्त करें, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। आगे प्रधान जी आपको आशीर्वचन देंगे। शांति पृथ्वी, शांति राप, शांति रौषधय, शांति वनस्पतय, शांतिर्विश्वे देवा, शांतिर्ब्रह्म, शांति सर्वं, शांति शांतिरेव, शांति सामा, शांतिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। विजयानंद की जय, महर्षि देव दयानंद की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय, योगी राशि कृष्ण चंद्र की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, आर्य समाज की जय। आर्य समाज अमर रहे कहना छोड़ दो, हमारा नहीं है। आर्य समाज की जय, गलत नारे लग रहे आज तक, सुधार कर लो इसमें। जब कोई मर जाता तब कहते हैं वो अमर रहे, जीवित है जीवित रहेगा, ये विजय प्राप्त की है, विजयी रहेगा। तो कहिए आर्य समाज की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय, वैदिक ध्वनि। ओ कितने पास हमारे हैं, कितने भोजन वस्त्र बनाए, कितने हाथ हमारे हैं, कितने साथी मित्र बनाए, कितने साथ हमारे हैं,
कितने साथी मित्र बनाए, कितने साथ हमारे हैं। क्षण भर को प्रभु ध्यान लगा कर, क्षण भर को प्रभु ध्यान लगा कर कुछ तो करो विचार। जग में जीवन दो दिन का पर। जब जवानी है तो समझते ये जाएगी नहीं और बुढ़ापा आएगा नहीं, लेकिन उल्टा है इसका, सत्य इसका उल्टा है। जवानी ऐसी चीज है जो जाने के बाद आती नहीं, और बुढ़ापा ऐसा है जो आने के बाद जाता नहीं। आप समझते आएगा नहीं, वो आकर के जाएगा ही नहीं, आवेगा ऐसा वहीं जम के रह जाएगा। इसलिए पहले ही सुधर लो जो सुधरना है। तो जवानी में ईश्वर भक्ति करते नहीं, बुढ़ापे में माला लेकर बैठ जाते हैं। अब तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा तो तब लगे जब तुम्हारे कुछ हजम हो। लोग अच्छे नहीं, लोग तो अच्छे बहुत लगते हैं तुम्हें, तुम ही किसी को अच्छे नहीं लगते। इसलिए पड़े रहो एकांत में। कहते अब तो हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान का भजन तो तुम कर ही नहीं सकते। भगवान का भजन तो वह कर सकता है जो भगवान का भजन वो करता है जो बचपन से करता है। यदि आप ईश्वर भक्त बनाना चाहते हो अपनी संतान को, तो जब माता के गर्भ में है तो उसे ईश्वर भक्ति में लगा दो। उसकी माँ को वह जो संतान होगी वो ईश्वर भक्त होगी। बचपन से ही जो गोद में लेकर के हवन करो, गोद में लेकर के संध्या करो, गोद में लेकर के ईश्वर भक्ति के गीत गाओ, और फिर देखे संतान ईश्वर भक्त ना होगी। वो जवान होकर के ईश्वर भक्त बनेगा, वही जीवन में सफल होगा। कहते हैं कहना नहीं मानती संतान, कहना नहीं मानते। तुमने किसी का कहना माना हो तभी तो कोई तुम्हारा माने। तुमने माना महापुरुषों का कहना, कहते कहते थक गए मर गए, सुधर जाओ सुधर जाओ, नहीं सुधरे। अपना कहना मनवाना चाहते हैं, आप मानना किसी का चाहते नहीं। ऐसा नहीं होता क्या? जवानी में किसी को नहीं समझते। एक महिला थी, वृद्धा हो गई। मैं बड़ी विनम्रता से क्षमा से चाहता हूँ, वृद्ध सभी को होना है। कमर झुक गई, गली में जा रही थी बेचारी डंडा लिए। कुछ जवान लड़के लफंगे, उन्होंने उन्हें कुछ हंसी मजाक ठिठोली सूझी। वो कहने लगे देखो कवि किस तरह से लिखता है, गद्य में कहना और बात है और पद्य में कहना और बात है। जो शक्ति काव्य में होती है वह शक्ति गद्य में नहीं होती। गद्य को भूल जाते हैं, पद्य को याद रखते हैं, इसलिए मैं अधिकतर पद्य का प्रयोग करता हूँ। उससे क्या कहते हैं, राजस्थान में ढोकरी कहते हैं वृद्धा महिला को, ढोकरी। सुनिए, झुकी कमर की ढोकरी क्या ढूंढे गलमाही। इस गली में क्या ढूंढ रही है? वो जा रही थी झुकी हुई, समझ रहे कुछ ढूंढ रही है, मजाक कर रहे उसकी। झुकी कमर की ढोकरी क्या ढूंढे गलमाही। वे तो चुप हो गए कह करके। अब माता जी तो बड़ी बुद्धिमती थी, सारे जीवन का अनुभव था। उन्होंने कहा बेटा सुनते जाओ, यौवन मोती खो गया मैं ढूंढूं हूं ताही, मैं ढूंढूं हूं ताही। आंख खुल गई उनकी, इन्हीं गलियों में आज ब्याह कर आई थी। बस ये 100-200 मीटर के बीच में मेरा यौवन मोती खो गया, आज तक नहीं मिला, तब से ढूंढ रही। इसलिए मैंने क्या लिखा, गर्व मत करो इस जवानी का। इस जवानी का
मजा लो। क्या मजा है इसका? ईश्वर भक्ति करो जवानी में, खूब बढ़िया, खूब प्राणायाम करो, खूब साधना करो, खूब हवन करो, खूब संध्या करो, खूब वेद पढ़ो, वैदिक साहित्य पढ़ो, औरों को पढ़वाओ, तो तब पता चलेगा जवानी का आनंद क्या होता है। ये जो तेरी भरी जवानी कुछ दिन में ढल जाएगी, यह जो क्या है हरी जवानी कुछ दिन में ढल जाएगी, जो तेरी जवानी कुछ दिन में ढल जाएगी, चाहे जितना देह सजा ले सुंदरता खो जाएगी, चाहे जितना देह सजा ले सुंदरता खो जाएगी, नश्वर तन यह मिले धूल में, शरीर का नश्वर तन यह मिले धूल में, झूठा सब श्रृंगार जग में जीवन दो दिन का, कर ले प्रभु से प्यार जग में जीवन दो दिन का, जीवन दो दिन का जग में जीवन दो दिन का, कर ले प्रभु से प्यार जग में जीवन दो दिन का, करें। ये तो सब बात हो गई, अब करें क्या? सफलता के लिए क्या करें? समाधान भी तो हो, समाधान भी सुनिए। पहले सुंदर कर्म किए थे तब सुंदर जीवन पाया, पहले सुंदर कर्म किए थे तब सुंदर जीवन पाया, जीवन सुखी है, सुंदर है, जिसको स्वस्थ शरीर मिला है, स्वस्थ बुद्धि है, स्वस्थ आत्मा है, पवित्र मन है, पवित्र बुद्धि, पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर है, अपने जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त धन है, रहने के लिए अच्छा साफ सुथरा मकान है, वाहन है, सब सुविधा है, अपने इष्ट मित्र परिचितों में सच्चा सम्मान है, तो उसका जीवन श्रेष्ठ है, तो वे उसको बड़े सौभाग्य से ये जीवन मिला, बड़े पुण्य कर्म किए पहले जन्म में, तब ऐसा जीवन मिलता है, अन्यथा सब रोते ही फिरते हैं, दुखी हैं सब। तो बड़े पुण्य कर्म पिछले जन्म में किए थे तब हम वैदिक धर्म अनुयायी बने, ऋषि दयानंद के अनुयायी बने, आर्य समाज के अनुयायी बने, ये हमारे पुण्य कर्मों का फल है। यदि हमारे कर्म खराब होते तो हम कांवड़ ढोया करते, जागरण में ताली बजाया करते, कब्रों पे नाक रगड़ा करते और मूर्तियों पे बलि चढ़ाया करते, अंधविश्वास और पाखंड में फंसे रहते। तो हम लोगों ने शुभ कर्म किए इसलिए सुंदर जीवन पाया। इस सुंदर जीवन को और अधिक सुंदर बनाने के लिए क्या करें कि और भी अधिक अच्छे कर्म हम करें। जो हो गया वह तो हो गया, लेकिन आज से ही संकल्प कर लें कि अब से अच्छे कर्म हम करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, संसार का उपकार करेंगे, यही अच्छा कर्म है। पहले सुंदर कर्म किए थे तब सुंदर जीवन पाया, पहले सुंदर कर्म किए फिर सुंदर जीवन पाया, ईश भजन पर हित करने को ही मानव जग में आया, ईश भजन पर हित करने को ही मानव जग में आया, काम क्रोध मद मोह लोभ तज हो जा भव से पार, जग में जीवन दो दिन का, कर ले प्रभु से प्यार जग में जीवन दो दिन का, कर ले प्रभु से प्यार जग में जीवन दो दिन का, आज
यथार्थ स्थिति आपको इस गीत के माध्यम से बताई गई। सभी मातृशक्ति इसे बंद कर रहा हूं। सत्संग में उपस्थित सभी पवित्र आत्माओं, भक्ति संगीत के पश्चात अब हम थोड़ा सा वेद के अमृत का पान करें। देखिए, आर्य समाज का नियम और ऋषि दयानंद का संदेश उपदेश है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो वेद को पढ़ें भी और दूसरों को पढ़ाने की प्रेरणा भी देवें। देखो, हम वेद पढ़ते भी हैं और वेद लाए भी हैं, जिससे दूसरे लोग पढ़ें, लेकर के पढ़ें। देखना है यहाँ कौन वेद भक्त है जो चारों वेद खरीदता है। और वेद वैदिक मान्यताओं के आधार पर 28 पुस्तकें हैं। ये दिखाने के लिए नहीं आई हैं, ये वैदिक धर्म का प्रचार करने के लिए आई है। इसलिए ये तब होगा प्रचार जब आप स्वयं वेद पढ़ेंगे, वेद के अनुसार जीवन जिएंगे, दूसरों को वेद पढ़ाएंगे और दूसरों को वेद के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा देंगे। तब एक दीपक से अनेक दीपक जलेंगे। पहले आप जलिए, दीपक बनिए, और फिर आप एक जलता हुआ दीपक 1,000 क्या 1,00,000 दीपकों को जला सकता है। लेकिन जिसके अंदर ना बत्ती है ना तेल है, वह क्या जलाएगा? वह स्वयं बुझा हुआ है और दूसरों को भी बुझाई देगा, वो नहीं जला सकता। इसलिए थकी हारा जीवन मत जियो, उत्साह के साथ जियो। जितने दिन भी संसार में जीना है उत्साह के साथ जीना है, ईश्वर भक्ति के साथ जीना है, वेद के अनुसार जीना है, वेद को पढ़ते हुए जीना है, वेद को जीते हुए जीना है। देखो, आप ईश्वर उपासना करते हैं, आपको एक मंत्र याद है, मेरे साथ बोलिए, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। ऐसे नहीं, मरी हुई आवाज से नहीं, लय में बोलो, फिर बोलिए, देखते हैं कितने में आनंद आता। वेद मंत्र को पूरे आनंद के साथ गाया करो, ये नहीं विश्वानि देव सवितुर दुर्तानि परासु यद भद्रम तन्नासु, हो गया वे काम, कुछ भी नहीं हुआ। आनंद के साथ गाया करो, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। ऐसे गाया करो, सैकड़ों बार गाया करो, जैसी समय मिले वैसी गाया करो। रास्ते में जा रहे हो, यात्रा में जा रहे हो, मंत्र जपते रहो। काम कर रहे हो, मंत्र जपते रहो। सोने जा रहे हो, मंत्र जपते रहो, नींद आ जाएगी, मंत्र जप में ही नींद आ जाएगी, वह होगी तो आपकी योग निद्रा। वो थकान उतारने के लिए नहीं होगी, वो आपकी वास्तव में ऐसी निद्रा होगी कि आप ईश्वर भक्ति में सो गए। जब जगो तो ईश्वर भक्ति में जगो, सो तो ईश्वर भक्ति में सो, भोजन करो तो ईश्वर भक्ति करते हुए करो, स्नान करो तो वेद मंत्र बोलते हुए करो, यात्रा करो तो वेद मंत्र बोलते हुए करो, और अधिक नहीं करे तो एक मंत्र तो कर लो, एक विश्वानिदेव मंत्र को जीवन में उतार लो। मैं उसका अर्थ बताने का प्रयास आपको करता हूं, उसकी व्याख्या संक्षेप में करने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये इतना सुंदर मंत्र है कि इसकी प्रशंसा कहां तक की जाए, जहां तक की जाए वहीं तक कम है। और महर्षि दयानंद जी को ये मंत्र बहुत प्रिय था,
उसका प्रमाण क्या है कि आप उनका यजुर्वेद भाष्य देखो, ही रखा हुआ प्रत्येक अध्याय के आरंभ में ये मंत्र छापा है। और लोगों ने भी भाष्य किए, उन्होंने नहीं छापा, लेकिन ऋषि दयानंद ने अपने वेद भाष्य में प्रत्येक अध्याय से पूर्व विश्वानी देव मंत्र को लिखा है, छापा है। इसे वो बहुत जप करते थे, ध्यान करते थे, और उसका प्रमाण यह है कि वो लिखा हुआ है 40 के 40 अध्यायों से पहले। कोई व्यक्ति कुतर्क कर सकता है, ये क्यों लिख दिया, ये तो वेद कांग नहीं है। अब ये तो ऋषि ध्यान से पूछो क्यों लिख दिया। अरे उन्हें उसके प्रति भक्ति थी, लिख दिया। आपको भक्ति लगे आप भी लिख लो, नहीं लगे कुतर्क करते रहो, लड़ते रहो। ईश्वर भक्ति का यह बड़ा सुंदर मंत्र है। इस मंत्र में तीन भाग हैं। सबसे पहला क्या है, परमात्मा की विशेषताएं बताई गई कि परमात्मा आप देव और सविता हैं। दो विशेषताएं परमात्मा की इसमें बताई गई, हे परमात्मा आप देव और